खरगोन डिप्टी कलेक्टर राहुल चौहान ने जब से सेगांव में प्रभारी तहसीलदार का चार्ज लिया है, अवैध खनन करने वालों की नींद हराम हो गई है। इसी कड़ी में आज विकास खंड की ग्राम पंचायत जलगोन नदी के अंदर जेसीबी मशीन और दो ट्रैक्टरों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था। डिप्टी कलेक्टर राहुल चौहान ने राजस्व टीम के साथ पहुंचकर जेसीबी और दो ट्रैक्टरों को जब्त किया। इस मौके पर राजस्व निरीक्षक सोहन डालके भी मौजूद थे। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। नदी में वहाँ पर अवैध उत्खनन हो रहा था जेसीबी के माध्यम से, तो उसको हमने जब्त कर लिया है। उसमें ट्रैक्टर ट्राली भी है, प्रकरण बना लिया है उसका और SDM साहब को उसको भेज दिया है प्रकरण को, और ट्रैक्टर और जेसीबी को हमने थाने में सुपरद कर दिया है। अब इसमें आगे कार्रवाई क्या होगी सर? आगे कार्रवाई जो भी SDM साहब उसमें खनिज विभाग के माध्यम से करेंगे, जो भी अवैध उत्खनन पर जो भी फाइन होता है उसको फाइन करेंगे। आज क्या क्या जब्त किया सर? एक ट्रैक्टर ट्राली है और जेसीबी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।